बॉडी लैंग्वेज मतलब शरीरी हाव भाव, इस टर्म से, इस शब्द से तो हम सब वाकिफ हैं, बट इसका इम्पोर्टेंस क्या है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या आपको पता है? और बॉडी लैंग्वेज हेल्प्स अस टू क्रिएट ए गुड कम्युनिकेशन। अगर हम अगले इंसान के साथ एक गुड कम्युनिकेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो उस पर हमारा बॉडी लैंग्वेज मतलब शरीरी हाव भाव, इस टर्म से, इस शब्द से तो हम सब वाकिफ हैं, बट इसका इम्पोर्टेंस क्या है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या आपको पता है? अगर आपको अच्छे से डिटेल्स में नहीं पता है तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ ऐसे सच रिवील करने वाली हूँ, ऐसे कुछ सच के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ जो आज तक आपने हो सकता है ध्यान ही नहीं दिया हो। तो चलिए शुरू करते हैं। माइसेल्फ मधुमिता गोस्वामी, वन ऑफ द ट्रेनर ऑफ आरआर डेटा सूत्र। तो हम बात कर रहे थे बॉडी लैंग्वेज की, मतलब शरीरी हाव भाव की। ये जो बॉडी लैंग्वेज है ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है जिसके थ्रू हम अपने आप को भी अगले इंसान के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं और दूसरे को पता चलने नहीं दिए भी हम अपने हाव भाव को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हमारे दिमाग में क्या चल रहा है वो अगला वाला इंसान हमारे बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए ना समझ पाए, और दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को रीड करते हुए हम ये भी समझ सकते हैं कि दूसरे इंसान के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे पर्सनल लाइफ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए हमें लोगों की बॉडी लैंग्वेज को रीड करना सीखना चाहिए। हमें अपने प्रोफेशन लाइफ के लिए, हम जो काम कर रहे हैं उसके रिलेटेड काम को और स्मूथ करने के लिए, लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करते हुए उनको डील करने के लिए भी उनकी बॉडी लैंग्वेज को रीड करना आना चाहिए। अगर आप अपने क्लाइंट की, अपने कस्टमर की, अपने काम के अंदर उनकी बॉडी लैंग्वेज को रीड कर पा रहे हैं तो इससे आप जो काम कर रहे हैं, आप जो प्रोडक्ट या सर्विसेज में डील कर रहे हैं, चाहे आप वो जॉब के अंदर कर रहे हैं, चाहे आप वो बिजनेस के अंदर कर रहे हैं, वहाँ पे आपके सेल्स क्लोजिंग की बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है। और ये भी चांसेस बढ़ जाता है कि आप अपने कस्टमर को लॉन्ग टाइम तक अपने एसोसिएटेड ब्रांड के साथ जुड़े रख पाए। तो बॉडी लैंग्वेज के साथ जुड़े हुए फैक्टर्स में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं फेशियल एक्सप्रेशन की। एक इंसान की फेशियल एक्सप्रेशन देख के ये पता चल सकता है उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, उस इंसान के मन में क्या है। अगर एक इंसान आपके साथ नज़रों से नज़रें मिला के बात नहीं कर पा रहा है, मतलब वो आपके साथ जो डिस्कशन कर रहा है उसमें वो कॉन्फिडेंट नहीं है। जब इंसान लो कॉन्फिडेंट होता है तब वो इंसान दूसरे इंसान से नज़र नहीं मिला पाता है। बट अगर एक इंसान फोकस्ड है, आपकी बातें समझ पा रहा है या किसी चीज़ में, किसी काम पे वो पूरा फोकस्ड है, तो उसका जो आईब्रो है वो एकदम झुका हुआ रहता है, उस काम पे फोकस्ड रहता है, आपकी बातों में फोकस्ड रहता है। तो ये है फोकस्ड रहने के साइन फेशियल एक्सप्रेशन के साथ। अगर एक इंसान दिल से खुश है तो उसके स्माइल से ही आपको पता चलेगा, वो स्माइल एकदम नेचुरल होगा। बट अगर एक इंसान आपको फेक स्माइल दे रहा है तो मतलब वो इंसान दिल से खुश नहीं है। हो सकता है वो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है उस बात से खुश नहीं है, या तो हो सकता है उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ तनाव है जिसके वजह से वो खुश नहीं है, बट पर्टिकुलरली वो खुश नहीं है तभी वो फेक स्माइल दे रहा है। जब एक इंसान भयभीत होता है किसी भी बात को लेके तो उसका नज़र हमेशा झुका हुआ रहता है, वो अपनी बातों को क्लियरली नहीं बोल पाता है। उसकी फेशियल एक्सप्रेशन देख के पता चलता है कि उसके फेस में कोई स्माइल नहीं है, वो एकदम टेंस्ड, डिप्रेस्ड रहता है। तो ये सारी साइंस से हमें समझ में आता है कि उस पर्टिकुलर इंसान के मन में चल क्या रहा है, किसी बात को लेके वो टेंशन में है, जिस वजह से आपकी बातें या आपके साथ नज़रों से नज़रें मिला के कम्युनिकेट करने में उसको दिक्कतें आ रहा है। हेड एंड नेक मतलब हमारा सर और हमारा गर्दन, ये भी हमारे बॉडी लैंग्वेज को दर्शाता है कि हमारे दिमाग में क्या है। अगर एक इंसान बार बार आपकी बातों में हद से ज़्यादा सर को हिलाता है तो वो इंसान आपकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा है। बट अगर एक इंसान लिमिटेडली आपकी बातों को सुनते हुए, समझते हुए अपने सर को हिलाता है तो वो लिमिटेड टाइम तक ही हिलाता है, और उससे समझ में आता है कि वो इंसान आपकी बातों से सहमत है। जो डिस्कशन चल रहा है वहाँ पे उसकी पॉजिटिव साइन है, मतलब उस बातों को वो सहमति दिखा रहा है, उस बातों को वो मानने की कोशिश कर रहा है। जब एक इंसान का मन या मस्तिष्क अस्थिर रहता है, वो स्थिर नहीं होता है,
तब वो इंसान बार बार अपनी गर्दन को अनकंफर्टेबली हिलाता रहता है। और अगर एक इंसान एकदम रिलैक्स्ड वे में बैठा हुआ है, उसका सर, उसका गर्दन एकदम रिलैक्स्ड है, तो ये समझ में आता है कि उस इंसान के मस्तिष्क में, मतलब ब्रेन में, कुछ भी हलचल ज़्यादा नहीं हो रहा है। वो एकदम स्थिर है, वो एकदम कर्म है। इवन दो एक इंसान के बैठने या खड़े होने के जो पोस्चर है, उससे भी हमें पता चलता है कि उस इंसान के बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसके साथ क्या सिचुएशन चल रहा है एट प्रेजेंट। अगर एक इंसान एकदम रिलैक्स्ड है, उसके मन में कोई भी शंका नहीं है, तो उस तरह से उस पोस्चर में आपके सामने बैठेगा। उसके बैठने की स्थिति को देख के आप समझ सकते हैं कि उसके मन में कोई शंका नहीं है। बट एक इंसान के मन में अगर शंका है, तो वो आपके तरफ झुक कर बैठेगा। उससे आपको पता चलेगा कि उसके मन में कुछ निगेटिविटी चल रहा है, कुछ बातें हैं जो उसको पॉजिटिवली वाइब्स नहीं दे रहे, उसको निगेटिवली सिर्फ निगेटिव चीज़ों की ओर सोचने में मजबूर कर रहे। तो एक इंसान की बॉडी लैंग्वेज को देख के आप जो उस इंसान के साथ मीटिंग कर रहे हैं, आप अपनी बातों को उस तरह से कस्टमाइज वे में, सिचुएशन वाइज बदल सकते हैं और उस इंसान को सीरियस कर सकते हैं अपनी डिस्कशन में। हमारे ये जो हाथ है, ये दोनों हाथ भी हमारे बताते हैं कि हमारे बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। अगर हमारा बात करते वक्त हमारा हाथ एकदम रिलैक्स रहता है, मतलब हम अंदर से रिलैक्स्ड है, हम आराम से दूसरे इंसान के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। और अगर हम ज़्यादा अपना हाथ हिलाते हैं, मतलब हम रिलैक्स नहीं है, कोई बात हमें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, या तो कुछ प्रॉब्लम है जो हम आगे बता भी नहीं पा रहे और उसको छुपा भी नहीं पा रहे। तो इस तरह से आप अपने हाथों को रिलैक्स रख सकते हैं किसी भी इंसान के साथ कम्युनिकेट करते हुए, ताकि अगले इंसान को पता ना चले कि आपके अंदर क्या चल रहा है। कभी कभी हम देखते हैं कि लोग अपने हाथों को मुट्ठी कर लेते हैं कुछ भी डिस्कशन के दौरान या कुछ करने के दौरान। तो ये जो मुट्ठी करना होता है, ये इंडिकेट करता है कि वो इंसान उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बहुत ज़्यादा गुस्से में है, अंदर ही अंदर वो गुस्सा हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें दर्शाता है कि अंदर से इंसान क्या फील कर रहा है। नेक्स्ट आती है हैंडशेक की बारी। अगर आप किसी भी इंसान के साथ कम्युनिकेट करने के बाद, बातचीत करने के बाद, मीटिंग क्लोज होने के बाद उनके साथ हैंडशेक करते, तो ये बहुत ही आपको विनम्रता दिखाता है कि आप विनम्र तरीके से उस इंसान को गुड बाय बोल रहे, उस इंसान को आप अच्छे से प्लीज कर रहे। बट आजकल कोरोना वायरस के आने के बाद से हम नमस्ते से ही काम चलाते हैं, हम हैंडशेक नहीं करते। तो आप हैंडशेक को नमस्ते के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि आज हैंडशेक करना हमारे जान के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। नेक्स्ट आता है लेग्स मूवमेंट। जब हम बैठते हैं और अपने लेग्स को मूवमेंट करते हैं, उसके दौरान भी पता चलता है, बॉडी लैंग्वेज बताता है कि इंसान के मन में क्या चल रहा है। अगर आप बैठते वक्त अपने लेग को क्रॉस करके रखते हैं, तो क्रॉस लेग बताता है कि आपका जो माइंड है वो क्लोज माइंड है। हो सकता है ये चीज़ आप अनकॉन्शियसली कर रहे, बट अनकॉन्शियसली करते हुए भी दूसरे इंसान को ये समझ में आ जाएगा कि आप क्लोज माइंड है, और इंसान आपको निगेटिवली ले सकता है। तो जब भी आप किसी इंसान के साथ बैठे हुए हैं, तो कभी भी क्रॉस लेग्ड होके मत बैठिए। अगर आप किसी इंसान के साथ बैठे हुए डिस्कशन कर रहे हैं और डिस्कशन करते वक्त आप अपने लेग्स को, अपने पैरों को बार बार हिला रहे हैं, तो इससे ये दर्शाता है कि आप उस इंसान की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। आपको बस इस डिस्कशन को ख़त्म करना है और यहाँ से निकलना है। आप बहुत हरी में हैं, मतलब बहुत जल्दी में हैं। तो अगर आप अनकॉन्शियसली कभी ऐसा चीज़ करते हैं, तो आज से ही इस चीज़ को आपको बंद कर देने चाहिए। किसी भी इंसान के साथ कम्युनिकेट करते वक्त आप अपनी लेग्स को रिलैक्स रखिए, अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स्ड रखिए, जिससे ये समझ में आए कि आप एक रिलैक्स्ड इंसान है। ये एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ओर हमें लेके जाता है, क्योंकि कुछ भी चीज़ हम ज़्यादा अगर हिलाते हैं किसी इंसान के सामने, हमारा हाथ, हमारा सर, हमारा पैर, तो इससे निगेटिव इम्पैक्ट आता है, निगेटिव पर्सनैलिटी हम अपने आप को दर्शा देते दूसरे इंसान के सामने, और वो इंसान सोच लेता है ये मेरे सामने वाला जो इंसान है ये एकदम निगेटिव है। तो हमें अपने आप को पॉजिटिवली दिखाना चाहिए, अपने पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों के मन में पैदा करना चाहिए। इवन दो स्टैंडिंग पोस्चर भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं बॉडी लैंग्वेज के अंदर।
आप एक इंसान के साथ खड़े हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं, हो सकता है वो आपके पर्सनल लाइफ के रिलेटेड हो, सकता है प्रोफेशनल लाइफ में हो, ऑफिस में हो, या कहीं पे बाहर में हो, या तो किसी और चीज़ में आप किसी क्लाइंट के साथ मिलने जा रहे हैं। जब भी आप किसी और इंसान के साथ खड़े हो के कुछ बात करें, कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, तो अपनी बॉडी लैंग्वेज का आप ध्यान रखिए। किस तरह से आप खड़े हो रहे उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। एकदम स्ट्रेट खड़ा होने की कोशिश करिए। अगर आप हिलते डुलते हुए खड़ा होंगे तो इससे निगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अगर आप स्ट्रेट कट रहेंगे, स्ट्रेट खड़ा रहेंगे, तो वो इंसान आपको देखते हुए समझेगा, अरे ये इंसान कितना अच्छे से खड़ा होता है, कितना अच्छे से बात कर रहा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा है। और बॉडी लैंग्वेज हेल्प्स अस टू क्रिएट ए गुड कम्युनिकेशन। अगर हम अगले इंसान के साथ एक गुड कम्युनिकेशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसमें हमारा बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। और वो हमारे पर्सनल लाइफ के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ या सोशल लाइफ के साथ भी जुड़ा हुआ हो सकता है। तो हमें ध्यान देना है अपने बॉडी लैंग्वेज पे, और आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर खुद ब खुद ही कर सकते हैं। आप आईने के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी बॉडी को, कैसे आप बिहेव करें, किस तरह से आप बॉडी लैंग्वेज दिखाएं, ताकि आपके मन में क्या चल रहा है वो अगले वाला इंसान समझ ना पाए और आपको वो पॉजिटिवली देखे और पॉजिटिवली ले, जिससे आपकी पर्सनैलिटी लोगों के सामने अच्छा दिखे। तो आशा करते हो ये वीडियो आपको आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को बेहतर करने में मदद करेगा और अपने बॉडी लैंग्वेज को रीड करते हुए अपने आप में ही इम्प्रूवमेंट करने में मदद करेगा। तो अगर आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स के रिलेटेड और भी वीडियोस हमारे चैनल पर देखना है, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर सकते हैं, ताकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स के रिलेटेड कोई भी अपकमिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है, तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है। और शेयर करने के लिए आप फेसबुक या व्हाट्सएप स्टेटस की मदद ले सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।